देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपराध की घटनाओं से दिल्ली अब क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वारदात को अंजाम देने के लिए दिन और रात का माहौल भी नहीं देखते। यह वो दीवार है जिसके सहारे अपराधी कॉलोनी में दाखिल होकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। घरों से कीमती सामान से लेकर कार की बैटरी की चोरी तो यहाँ आम बात है। आइए सुनते हैं पीड़ितों की बात। मेरा नाम अजीत श्रीवास्तव है, मैं यही C7 में रहता हूँ। ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है जिसके एक महीने के अंदर में 2 बार बैटरी चोरी हो गई है। हमारे साथ साथ 3 गाड़ियों की और भी चोरी हुई है। मैंने दीवार टूटी हुई 3 साल हो गए, 3 साल से अभी तक कोई भी चेक नहीं है। मैं प्रदीप मल्लिक हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, यहाँ पे C7/314 में रहता हूँ। जो दीवार टूटा हुआ है वो करीब 3 साल पहले टूटा हुआ है और यहाँ पे इतना सारा चोरी हो रहा है, प्लस पानी इतना आ जाता है, पानी सारे बह के यहाँ पे जमा हो जाता है। डोर की एंट्री भी होता है, पानी भी बह के सारे जमा हो जाता है और उसके बाद मच्छर वगैरह बहुत कुछ यहाँ पर होता है। कोई सुनवाई नहीं होता है, कुछ नहीं करते हैं। सरकार में होता तो ये दीवार को ऊँची करवा के ऊपर फेंसिंग लगवा देते हैं, कोई अनवांटेड लोग इधर ना आए। और जैसे बारिश में पानी तो एग्जिट के लिए थोड़ा सा रख देता है कि पानी निकल जाए, दीवार ना टूटे। यहाँ पर साफ सफाई करा के रखता है कि आम लोग रह रहे हैं। और एक तो गाय इतने ज़्यादा है कि पूरे गंदगी फैला के रखते हैं, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो आपके विचार से क्या समाधान है? जो पशु है उनको कहीं भी कहीं कोई शेल्टर है तो वहाँ पे रखें, इस तरह से घूमते रहते हैं, बच्चे भी नहीं निकल पाते और गंदगी तो पूरे फैला के अंदर अंदर तक पूरे गोबर के मैंने पशुओं के जो मल है उससे बारिश होती है, बारिश से पूरे गंदगी फैल जाती है, सब जगह स्मेल होता है सब जगह। और लाइटिंग तो ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लाइटिंग का। पार्किंग व्यवस्था, पार्क व्यवस्था थोड़ी कमी चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ बहुत हैं, सब रोड साइड में लगे रहते हैं, कोई पार्क होता तो लोग आराम से रखते वहाँ पर गाड़ी। हाँ, चोरी बोरी बैटरी वगैरह चोरी नहीं होता, जो चोरी हो रहा है वो होता ही। एक सरकार में होता तो एक दीवार को बना देता, क्योंकि इतने साल तक पेंडिंग नहीं होता कोई, मतलब 3 साल हो गया करीब दीवार को टूटे हुए। और ये दीवार जो टूटा था तो मेरा गाड़ी में भी आके दीवार गिरा था तो मेरा गाड़ी पूरा डैमेज हो गया था। एरिया की समस्या है, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए तो सबको देखना पड़ेगा, एक जनरेशन को नहीं होगा। हाँ, सारे डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।